कॉल उठा रही थी, मेरे पापा आ गए। जब तक कॉल चली है, कॉल मेरी, जब तक पापा दुकान में, दुकान का शटर नहीं खुला तब तक मेरी कॉल लगी रही है। फिर क्या वो, फिर वो फिर रिलैक्स। फिर जब तक कॉल चलती रही है, जब तक शटर नहीं खुला है, फिर वो नीचे गया, नीचे से आवाज आई, जैसे गिरते धर्म करती आवाज आई, जोर से आई है। फिर क्या बोलते, मैं पापा को बोलती थी मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मैं नर्वस हो गई थी उस टाइम। फिर मेरे पापा, फिर मेरे भाई साइड में दुकान है, फिर वहां से अंदर आए हैं, आया मेरा भाई, ऊपर से आया, ऊपर का दरवाजा खोला, लकड़ी का दरवाजा वो लात मार के खुल गया। फिर मेरे भाई ने मुझे देखा, उसने बोला तो ठीक है। फिर मैंने बोला हमें ठीक है, मैंने उसको गले लगाया। फिर क्या बोलते, उसने ताला तोड़ने की कोशिश की हॉकी से, पर ताला नहीं टूटा, हॉकी टूट गई। फिर हमने सैटर ऐसे उठाने लगे, पर सैटर नहीं खुला हमारा। फिर पार मोची की दुकान से हथौड़ी मांगी, किसी ने दी अंदर बार से। फिर के बोल हथौड़ी से ताला तोड़ा, फिर जल्दी से सैटर खोला, फिर सभी अंदर आ गए। जब वो नीचे गए तो लड़के की हाथ ठीक नहीं थी, उसके सर से खून निकल रहा था और हाथ से भी। जब उसको, जब उसको ऊपर लेकर आए, वो पूरे होश हवा में था, बेहोशी के हालत में था, वो खुद चल कर आया है। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, उसको 5 मिनट बाहर बैठाया है। फिर के बोलते उसको एक गाड़ी में बैठा लिया, उसको उसने मना किया, बोले मैंने इसमें नहीं बैठना। फिर उसकी मम्मी आए, मम्मी और दुकान जो मार्केट के लोग हैं वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर मैं वहाँ, मुझे पानी पूनी पिलाया, फिर मैं वहाँ पर पार गई विकास अंकल की दुकान में, वहाँ पर मैंने बोला कि मेरी FIR लिखो। उन्होंने बोला कि आप चौकी जाओ। फिर हम 4:30 बजे चौकी चले गए। वहाँ पर मैंने, दो मुंशी थे, उन एक मुंशी हॉस्पिटल चले गया और एक वहाँ पर थे। फिर उन्होंने, मैंने उनको सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। फिर क्या बोलते, 7 बजे जो SI सर वो आए, तो उन्होंने मेरा बयान लिखा सब कुछ। फिर मुझे और मेरी मम्मी को घर भेज दिया। फिर मेरे भाई और मेरे पापा और एक लड़का सचिन, उन वो जो वहाँ पर मौके में वहाँ मौजूद थे, उनका बयान लिखा। फिर उन्होंने बयान दिया। फिर पुलिस अंकल और मेरे पापा, मेरे भाई दुकान में गए। फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या हुआ है। फिर जो सामान था उसने लेकर आया था, उस सब का फोटो हुआ। फिर क्या, फिर वो मेरे, वो चले गए अपने इसमें, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा और मेरे भाई घर आ गया। फिर अगले दिन सुबह पुलिस अंकल का फोन आया, सर का फोन आया। फिर बोले कि आप चाबी लेकर आओ। फिर हम सैटर सामान, उन्होंने सामान मंगाया, देखा, उन्होंने दोबारा फोटो लिया। फिर उन्होंने देखा कि हॉकी टूटी है, हॉकी वगैरह चेक की। फिर जो ताला था, फिर के जो बोतल कटर जो ब्लेड, उसको उन सबको अपने साथ लेकर गए। और फिर मुझे भी बोला कि पुलिस स्टेशन चलो। एक चीज, ये घटना कितने बजे की हुई होगी तकरीबन? सवा चार बजे तक ये घटना। जब ये वारदात हुई तो अंदर कौन कौन थे उस समय जब इनको निकाला गया था? तब सभी थे, प्रवीण भाई थे जो नीचे गए थे उसको लेने, प्रवीण, सचिन भाई, फिर मेरे पापा, मेरे पापा, मेरा भाई, फिर एक और अंकल थे, उनका नाम मुझे। पर लड़के वालों ने आरोप ये लगाया है कि उसकी, उसके जो सर के पीछे बार हुआ है, सर के पीछे जो चोट आई है, वो कैसे आई है? सर जब वो नीचे गया तो वो नीचे जैसे गिरते वैसी आवाज आई है, वो पौड़ियों से गिर गया है। एक और आरोप लगाया है कि उसकी कलाई जो है वो काटी गई है, कलाई मतलब उसका कट थे, तेज धार हथियार से उस पे मतलब वार किया गया। वो अपना सामान लेकर आया था, ब्लेड लेकर आया था, उसने खुद काटा, हम नीचे नहीं गए हैं। अच्छा। ताला कहाँ से आया? ताला जो, ताला वो लेके आया था या वो वहाँ, उसको कैसे पता कि ताला कहाँ रखा गया है? मेरा ताला वही है, वो खुद का ताला लेकर आया है। अच्छा, ताला भी अपने साथ ही लेकर आया था? सब एक अपने साथ एक कैरी बैग लेकर आया, व्हाइट कलर का। जब वो नीचे से निकाला, जहाँ 20 मिनट आप बता रहे हैं कि नीचे गिर गया था, तो उस टाइम जब निकाला तो उसकी वो नसें कटी थी क्या? वो लहूलुहान था उस? हाँ जी, वो लहूलुहान था। उसके मुंह पे जो ब्लेड वो लगे हुए थे, कटा हुआ था उस टाइम, आपने देखा? नहीं, उसका सर जो था, लड़के का सर जो था, उस सर से जब वो गिरा होगा तो खून तो बह रहा होगा, तो आपने वो देखा था कि खून? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं नीचे नहीं गई, मुझे डर लग रहा था। जब निकाला उसको बाहर तो आप वहीं थे? हाँ जी, मैं वहीं थी। तो आपने देखा? जी, मैं बस सुनता हूँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। जैसे